हम सब लोग अपना उत्थान चाहते हैं, अपनी वर्तमान की परिस्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा क्यों? हमारी आत्मा भीतर से हमको धक्का दे रही है कि तुम जहां जीवन में पहुंचे अभी वो लक्ष्य नहीं है, तुमको और जाना। तुमने आज तक जितना किया वो पर्याप्त नहीं है, तुमको और करना है। तुम जैसा बने हो वो पर्याप्त नहीं है, तुमको अभी और उन्नति करनी है। ये सतत उन्नति, उन्नति करने का प्रयास की प्रेरणा हम सब के अंदर है, ये कहां से आई? हमारे शास्त्र कहते हैं इसका कारण भगवान ही है। वो भगवान के अनेक नाम हैं, राम, श्याम, शिव, परमात्मा, किंतु हमारे वेद ने उसका एक नाम दिया ब्रह्म। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म शब्द बड़ा अद्भुत है। अगर इसकी शाब्दिक परिभाषा चाहे तो वृहत्वात ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, अनंत मात्रा का। अब बड़ा तो संसार में बहुत कुछ होता है, पहाड़ भी बड़ा है, उससे बड़ा समुद्र है, उससे बड़ी पृथ्वी, उससे बड़ा सौर मंडल, उससे बड़ी ये आकाश गंगा, उससे पूरा बड़ा ब्रह्मांड। किंतु भगवान अनंत ब्रह्मांडों से वृहद है। क्यों? क्योंकि उसने संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाया हुआ है। यह समझिए जैसे धागों से कपड़ा बना, तो धागा सूक्ष्म है और कपड़ा उसके मुकाबले वृहद है। ऐसे ही संसार को भगवान ने धारण किया हुआ है और महाप्रलय में भगवान संसार को अपने अंदर समा लेता है। अतः भगवान संसार से भी बड़ा है। तो जो बड़े से बड़ा हो उसको कहते हैं ब्रह्म, वृहत्वात् ब्रह्म। किंतु जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा कि ये ब्रह्म की अधूरी परिभाषा है, 50%, और 50% परिभाषा और भी है। ब्रह्म वृहत् वात अस बड़ो, जाको आदि न अंत, ब्रह्म वृंगणत्वात अस और न करे अनंत। ब्रह्म वो भी है जो दूसरों को बड़ा करता है, अर्थात वो भगवान कंजूस नहीं है, वो आपको बड़ा करना चाहता है, गुणों में, कलाओं में, ज्ञान में, प्रेम में। व्याकुल है अपनी संपत्ति देने के लिए, और भगवान जानता है कि उसने जो हमको बनाया है, हम सब का सृजन करता है, तो इसलिए नहीं बनाया कि हम भिखारी बन के पड़े रहे, इसलिए बनाया कि एक दिन हम भगवान के समान गुणों से युक्त बन जाएं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। वो हमको भीतर से ये प्रेरणा देती रहेगी, जीवन में और आगे बढ़ो, जीवन में और उन्नति करो,
अपनी साधना को और आगे उठाओ और उसी आंतरिक प्रेरणा से आप लोग प्रवचन सुनने आए। यद्यपि आपने पिछले साल भी संभव है हमारा प्रवचन सुना और 25 साल पहले भी और बीच में भी कई बार सुना होगा, लेकिन इस वर्ष फिर से सुनने आ गए, क्योंकि आत्मा कहती है जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा हमको सुनते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। इसी को कठोपनिषद ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे मनुष्यो उठो जागो और संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करो। इसी का अनुवाद स्वामी विवेकानंद ने किया, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मनुष्यों जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हल न हो जाए। अतः जीवन का लक्ष्य ही आत्म कल्याण है, जीवन का लक्ष्य ही आत्म उद्धार है। बाकी सब जो हम इकट्ठा करें वो तो सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारे साथ क्या जाएगा? जितना हम अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिए वो ही हमारी निधि बनेगी। अतः ये लक्ष्य हमको रखना है कि आत्म उत्थान कैसे किया जाए।